गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 13.4 एक्सरसाइज हमारी। इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो टॉपिक है वो है लिमिट्स इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, मतलब उन फंक्शंस की लिमिट फाइंड आउट करना जिनके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन हो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास चार फॉर्मूला है। फर्स्ट क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। ई क्या होता है, ई हमारे पास एक कांस्टेंट है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स टू द बेस ई अपॉन एक्स इक्वल टू वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ए। ठीक है, हम बारी बारी से ना हर फॉर्मूले के ऊपर दो दो तीन तीन मतलब क्वेश्चंस करेंगे एग्जांपल, ताकि सारे फॉर्मूले हमें अप्लाई करने आ जाए। सो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर करते हैं स्टार्टिंग में कि इसको कैसे अप्लाई कर। देखो जैसे मैं लेके चल रहा हूं एक फंक्शन हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस टू एक्स की पावर वन बाई एक्स, ये सोल्व करना है। ठीक है, तो अब हमें ना ये फॉर्मेशन देखनी। देखो इसके अंदर क्या है, इस फॉर्मूले में इस जगह पे एक्स दिया हुआ है, यहां पे एक्स दिया हुआ, यहां पे एक्स दिया हुआ, मीन्स जो x है ना वो तीनों पोजीशंस के ऊपर वो बिल्कुल सेम है, तो उसकी वैल्यू e हो जाती है। अब यहां पे क्या है, यहां 2x है, यहां x है और यहां भी x है, तो क्या ये अंदर ब्रैकेट में, तो अंदर वाला जो पार्ट है ना, आपकी कोशिश क्या होगी कि बाकी के जो है ना वो भी वैसे ही बन जाए। तो यहां 2 है ना, तो यहां भी 2 हो और यहां भी 2 हो, तो इसके लिए हमें ट्राई करना है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, मैं इसको ऐसे लिख दू वन प्लस टू एक्स और भार इसको मैं ऐसे कर दू टू अपॉन टू एक्स। क्या कर दिया हमने, तब ये टू एक्स है, तो ये नीचे डेनोमिनेटर वाला जो पार्ट है ना ये टू एक्स बनाना मुझे, उसके लिए क्या कर दिया हमने, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, मैं इसको ऐसे लिख दू वन प्लस टू एक्स की पावर वन अपॉन एक्स, वन अपॉन टू एक्स और ये भार टू, पावर जो है वन इंटू टू, तो टू को लिखने का तरीका थोड़ा बदल दिया हमने। क्या कर दिया, देखो जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, न्यूमरेटर पार्ट में वन होना चाहिए, तो हमने क्या किया, जो पावर है ना उसको वन इंटू टू कर दिया। टू किसके बराबर होता है, वन इंटू टू, तो टू बाहर लिख दिया और ये हमने अंदर कर दिया। अब जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने एक पावर का फॉर्मूला अप्लाई करना सीखा था, किस तरह का था फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाती है लिमिट, करा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कोई फंक्शन है और उस फंक्शन की कोई पावर गिवन है, तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, वो लिमिट जो है ना वो अंदर चली जाएगी और जो पावर है वो कंप्लीट की हो जाएगी। तो यहां भी जो पावर है ना वो कंप्लीट की हो जाएगी, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस टू एक्स इसकी पावर वन अपॉन टू एक्स, और जो पावर है ना वो कहां चली जाएगी, हमारी बाहर चली जाएगी। जो पावर थी फंक्शन की हमारी वो कहां, बाहर चली जाएगी। अब देखो यहां भी 2x है, यहां भी 2x है, तो जब x 0 है तो मैं कह दूं, जैसे कह दूं मैंने x की वैल्यू 0 है तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 0, x है 0, मैं इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं वो भी 0 होगा, 2x से मल्टीप्लाई किया मैंने, 3x से मल्टीप्लाई किया वो भी 0 होगा, मैंने 4x से मल्टीप्लाई किया तो वो भी 0 होगा। तो जब x 0 होता है तो उसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें या किसी से भी डिवाइड करें तो वो भी किसको टेंड करेगा, 0 को। तो मैं इस x टेंड्स टू 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूं
2x टेंड्स टू जीरो। अब ये फॉर्मेशन हमारी ना बिल्कुल इसकी तरह एज इट इज लग रही है कि तीनों जगह पे x जो है ना वो सेम है, तो सेम है तो इसकी जो फॉर्मूला है उसकी वैल्यू क्या होती है e, और बाहर कितनी पावर है 2, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2, ये हमारा आंसर। ठीक है, हमें इस तरह से सॉल्व करना, हमें क्या करना है, हमें जो अंदर वाला पोर्शन है ना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अप्रोच लेके चलनी है कि अंदर अगर x का कुछ कोफिशियंट दिया हुआ है तो हमारी कोशिश क्या होगी बाहर भी एज इट इज वो बने वो पोर्शन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, x टेंड्स टू जीरो, 1 + 2x और इसकी पावर है 3/x। ठीक है, हमें अप्रोच यहीं से स्टार्ट करनी है, हमारी 2x है तो 2x है तो किस तरह से अप्रोच करेंगे इसकी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 + 2x। ठीक है, मैंने क्या कहा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना, हमें ये 2x है ना तो ये नीचे 2x बनाना है, बाकी पावर को हम बाद में देखेंगे कितना है। जैसे न्यूमरेटर में 3 दिया हुआ, तो अब हमने 3 के ऊपर कोई नजर नहीं डाली, 3 को एज इट इज रखा है, 3 का काम बाद में देखेंगे क्या होता है, पहले हम x को बनाने की कोशिश करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा 1 + 2x इसकी पावर 1/2x और ये बाहर हो जाएगा पावर 6। भाई ये था 6, इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूं 1 × 6। ठीक है, तो ये क्या कर दिया मैंने, 1 अंदर और 6 बाहर, मल्टीप्लाई में दोनों, वापस लिखना चाहे वापस भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब ये फॉर्मूला लगा दो पावर वाला, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 + 2x की पावर 1/2x और ये कितना हो जाएगा बाहर 6 पावर। अब ये x टेंड्स टू जीरो है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x टेंड्स टू जीरो, ये तीनों पार्ट सेम नजर आ रहे हैं तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा e और बाहर पावर कितनी है 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा e की पावर 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस अप्रोच देखनी है आपको कि अप्रोच आपकी हमेशा जो है वो कहां से स्टार्ट होगी, वो जो ब्रैकेट का जो पार्ट है आप अंदर वाले x को देखते हुए बाहर वाले जो दोनों x हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पाएगा। अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या हमारा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो log 1 + x/x = 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, हमें अंदर वाले से ही स्टार्ट करना, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 + 5x, तो हमारी कोशिश होगी ये जो डेनोमिनेटर में है ये 5x बन जाए, ये भी 5x बन जाए, तो ये कॉन्स्टेंट है ना, ये 4 दिया हुआ है, हमें चाहिए 5, तो क्या करो 4 को तो बाहर निकाल दो, 4 कॉन्स्टेंट को तो मैंने निकाल लिया बाहर। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऐसे कर लो मल्टीप्लाई में log 1 + 5x/x और बेस e दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां 5 बनाने के लिए क्या करो, आप इस क्वेश्चन को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये 5 है ये कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लो, 5/4 × लिमिट, ये x 0 है तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी 0 होगा, तो क्या हो जाएगा 5x टेंड्स टू 0, सो ये क्या हो जाएगा आपका लॉगरिथम 1 + 5x/5x बेस ई, यहां 5x है यहां भी 5x है यहां भी 5x, तो इस पूरे जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सो ये क्या हो जाएगा 5/4 × 1 = ये हो जाएगा 5/4, ये हमारा आंसर। ठीक है,
इसका यूज, इस फॉर्मूले का यूज बहुत ही कम होता है, पर आपको याद रखना कि कैसे अप्लाई करना। तो हमारा जो प्रोसेस होता है इसमें करने का, वो क्या होता है, जो अंदर ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स, उस एक्स को देखते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी अगर आपको मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती ना, तो आप इसकी या तो स्पीड कम कर लें, स्पीड को कम करके फिर देखें वीडियो को, या फिर वीडियो को स्टॉप कर लें और स्टॉप करने के बाद आप दोबारा से प्ले करें, तो बार या फिर बार बार वीडियो को देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है ना, वो हम इस एक्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे, या e की पावर में जो एक्स दे रखा होगा इसको उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। देखो एक एग्जांपल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो e की पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब यहां दिया हुआ है साइन एक्स, तो हम इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो क्या करना हमें, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो e की पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब मैं कह रहा हूं साइन एक्स बनाना हमें, तो क्या करें, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि मैंने कहा भाई यहां पे जो दिया हुआ ना e की पावर में जो x दिया हुआ है, मीन्स यहां जो फंक्शन गिवन है हमें उसी को बना के चलना है। यहां साइन एक्स है तो क्या कर दिया हमने, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन एक्स से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होती है, कि अगर कोई दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो दोनों फंक्शंस की लिमिट अलग अलग हो जाती है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन साइन एक्स सॉरी एंड टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। ये वाला फंक्शन तो एक उसमें ले लिया और बाकी ये वाला फंक्शन एक उसमें लिमिट में ले लिया। अब देखो यहां पे क्या है, e की पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स, यहां दोनों जगह हो चुका। अब देखो यहां क्या, जब एक्स जीरो होता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल से याद कीजिए, जब एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो साइन एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो। तो अगर एक्स जीरो है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं साइन एक्स भी क्या होगा, जीरो। अब ये जो वैल्यू है ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारी क्या हो रही है, वन इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। ये भी फॉर्मूला हमारे पास लिमिट्स का, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, वन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, हमें इसके अकॉर्डिंग सोल्व करना, मतलब e की पावर में जो एक्स दिया हुआ है ना, ये वाला एक्स, हमें ये जो क्वेश्चन है ये इस पावर के अकॉर्डिंग सोल्व करके चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू ई की पावर एक्स माइनस ई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू। देखो ये जो फॉर्मूला गिवन था हमारे पास, यहाँ एक्स जो है ना वो किसको टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ हमारे पास टू दे दिया, मीन्स डिफरेंट उसके ऊपर वैल्यू है हमारी। तो हमें क्या करना, हमें इसमें एक बार लिमिट पुट करके देखनी है कि ये फॉर्मेशन कैसे बन रही है हमारी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो जब हम x को पुट करते हैं 2, तो e की पावर 2 माइनस e की पावर 2 न्यूमरेटर पार्ट 0 हो जाएगा अपॉन 2 माइनस 2 डेनोमिनेटर पार्ट भी 0, मीन्स ये हमारी 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, अब हम इसको सोल्व करें, तो सोल्व करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज मेथड। रीजन क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने का इस क्वेश्चन में, क्योंकि लिमिट जो है ना जीरो के अलावा कुछ और पॉइंट के ऊपर दी हुई है, लिमिट जीरो की बजाय टू पे दी हुई है, तो हम इसमें पुट कर रहे हैं पुट एक्स इक्वल टू टू माइनस एच। ठीक है, आपकी मर्जी है टू माइनस एच पुट करें या टू प्लस एच पुट करें, वैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर प्लस पुट करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, आपको इजी लगेगा थोड़ा करने में। ठीक है, मैं इसको पुट कर देता हूं,
लिमिट ये हो जाएगा आपका एक्स टेंड्स टू जीरो, कैसे, व्हेन एक्स टेंड्स टू टू इंप्लाइज एक्स टेंड्स टू जीरो। देखो जब एक्स टू के टू को अप्रोच कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि या तो एक्स टू से थोड़ा सा छोटा है या फिर एक्स जो है वो टू से थोड़ा सा बड़ा है, मीन्स टू में से या तो कुछ पार्ट समथिंग माइनस किया हुआ है या टू के अंदर समथिंग ऐड किया हुआ है, हम इस तरह से देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एच की जो वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी हमारी, अप्रोक्सीमेट जीरो। तो यहां क्या होगा हमारा, ई की पावर एक्स को क्या पुट करना, टू प्लस एच माइनस ई स्केयर अपॉन डेनोमिनेटर में भी टू प्लस एच माइनस टू, ठीक है, यहां तो टू से टू कैंसिल। न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व करो, क्या करना है इसमें, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर टू इंटू ई की पावर एच माइनस ई स्केयर अपॉन एच। न्यूमरेटर पार्ट से ई स्केयर अगर बाहर निकाल लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई स्केयर इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन, क्या हो जाएगा, ई स्केयर इंटू वन इक्वल टू ई स्केयर। इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, थोड़ा सा ना घुमा दिया क्वेश्चन को। कैसे घुमाया कि देखो, आप अगर फॉर्मूला के ऊपर नजर डालो ना, तो सभी में एक सिंगल पार्ट होता है, नीचे डेनोमिनेटर का जो पार्ट है वो सिंगल होता है, या एक्स तीनों के अंदर, या मतलब कुछ और भी फंक्शन हो तो वो अकेला फंक्शन होगा, लेकिन यहां पे क्या कर दिया, प्लस माइनस करके दो फंक्शन दे दिए। तो क्या करना, ये एक ही फंक्शन ट्रीट करना आपको, ठीक है। अब ये एक फंक्शन ट्रीट करना मतलब आपको जो चेंजमेंट करना है ना, जो बदलाव करना है क्वेश्चन में, वो न्यूमरेटर पार्ट में करना है, ठीक है। तो आप यहीं से शुरुआत करोगे, इसी पार्ट को चेंज करने की कोशिश करो, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर एक्स, मैं कह रहा हूं माइनस साइन एक्स कर दो। क्यों किया है मैंने ऐसा, ताकि ये जो पार्ट है यही डेनोमिनेटर में बन जाए नीचे। देखो डेनोमिनेटर में ये पार्ट दिया हुआ है, मैंने इसलिए क्या किया, इसमें माइनस एक्स साइन एक्स कर दिया, तो प्लस साइन एक्स कर देता हूं, माइनस ई की पावर साइन एक्स। क्या कर दिया मैंने, जो पावर थी की पावर एक्स, उस पावर के अंदर ही माइनस साइन एक्स कर दिया और प्लस साइन एक्स कर दिया। क्यों किया, क्योंकि डेनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस साइन एक्स दिया हुआ है उस पार्ट को बनाने के लिए। अब मैं कह रहा हूं ये तो एक पार्ट मान लो और ये दूसरा पार्ट, और ई की पावर को ब्रेक कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स माइनस ई की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ऊपर से न्यूमरेटर पार्ट से कुछ कॉमन आ रहा है, निकाल लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर साइन एक्स इंटू ब्रैकेट में ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये पार्ट यहां से बचा हुआ, माइनस यहां से वन अपॉन ये पार्ट है। देखो यहाँ एक्स माइनस साइन एक्स है, डेनोमिनेटर में भी एक्स माइनस साइन एक्स है। क्या करो, दोनों फंक्शंस की लिमिट अलग अलग कर दो, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर साइन एक्स इंटू लिमिट। अब मैं कह रहा हूं देखो, जब एक्स जीरो होता है, एक्स अगर जीरो है तो साइन एक्स कैसा होगा, जीरो, ठीक है।
तो x माइनस साइन एक्स भी कैसा होगा, जीरो भाई, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो इस पार्ट में से ये पार्ट माइनस करेंगे तो ये भी किसको टेंड करेगा, जीरो को। तो इसकी जो लिमिट है वो मैं लिख दूं x माइनस साइन एक्स टेंड्स टू जीरो, और ये e की पावर x माइनस साइन एक्स और माइनस वन अपॉन डेनोमिनेटर में x माइनस साइन एक्स। देखो ये तो फॉर्मूला बन रहा हमारा ये वाला, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी वन, ये वैल्यू तो वन। अब ये सोल्व करना, अब इसके अंदर एक्स जीरो है, एक्स जीरो है तो ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ई की पावर साइन ऑफ जीरो। साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो जीरो, और ई की पावर जीरो किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होती है, वन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, वन, सॉरी इंटू वन और लिखना पड़ेगा भाई, इस पार्ट की वैल्यू वन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन। आपको कुछ भी नहीं, इसके अकॉर्डिंग जब प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के ऊपर ही आएंगे बस ये क्वेश्चन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें दो तीन पार्ट इकट्ठे अप्लाई हो रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस कोस एक्स। सबसे पहला काम क्या है कि हम ये चेक करते हैं कि भाई ये कौन सी फॉर्म है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। तो क्या करेंगे, जब भी एक्स को जीरो पुट करेंगे, न्यूमरेटर पार्ट जीरो, नीचे वन माइनस कोस जीरो क्या होता है, वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये तो एक्स है, ये जो फंक्शन है ना टू की पावर एक्स माइनस वन, इसको फंक्शन का क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर, ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डेनोमिनेटर में एक्स चाहिए। एक चीज तो यहां से ये पता लगी हमें, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो डेनोमिनेटर में एक्स होना चाहिए, एक चीज तो ये देखी। दूसरा क्या है, वन माइनस कोस एक्स, ये एक ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, वन माइनस कोस ऑफ एक्स क्या होता है, ये टू इंटू साइन की पावर दो कर देते हैं हम, और जो एंगल है ना यहां पे जितना भी एंगल है उस एंगल का हाफ कर देते हैं। वन माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टू इंटू साइन स्केयर और एंगल का हाफ करना होता है। चलो इसको करो सॉल्व, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन अपॉन हो जाएगा टू इंटू साइन स्केयर एक्स बाई टू, इंटू में मैंने एक्स कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों जगह। ठीक है, क्या किया है मैंने इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया किससे, एक्स से। क्यों किया, क्योंकि ये पार्ट बनाने के लिए, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ ए। बाकी को हम देखेंगे, एडजस्ट करेंगे कैसे न कैसे, टू कॉन्स्टेंट है, कोशिश करो बाहर निकालने की, वन अपॉन टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अलग अलग कर दो, दोनों पे लिमिट अलग अलग लगा दो, और ये है आपका एक्स स्केयर अपॉन ये है साइन स्केयर एक्स बाई टू। ठीक है, इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यहां से एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्केयर हो जाएगा, टू जो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, साइन स्केयर एक्स बाई टू यहां है लिमिट, और ये टू की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ये यहां पे है, इसकी वैल्यू लॉग ऑफ ए हो जाएगी, कॉन्स्टेंट है आगे लिया हो तो ये हो जाएगी लॉग ऑफ टू अपॉन टू इंटू, ये देखो ऊपर भी टू पावर नीचे भी टू पावर, पहले पावर का सॉल्यूशन कर लो, एक्स अपॉन साइन एक्स बाई टू पावर टू, पावर वाला फॉर्मूला ये लिखा हुआ है जो
पावर बाहर चली जाएगी, पावर को बाहर निकाल लो, लॉग 2/2 ये हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ये हो जाएगा एक्स अपॉन साइन एक्स बाई टू पावर, ठीक है। अब ये जो एक्स है ना इसको पलट के नीचे ले लो, लॉग ऑफ 2/2 और ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स, जो एक्स है ना न्यूमरेटर पार्ट का इसको मैंने पलट के नीचे लिख दिया। देखो चाहो तो इसको वापस जैसे क्या करता हूं, मैंने दे दिया भाई एक्स अपॉन वाई बाई टू, कैसे लिखते हैं इसको एक्स इंटू ये टू पलट के ऊपर चला जाता है। अब इसको वापस लिखना चाहे तो वापस भी लिख सकते हैं, तो यही मैंने किया, जो वन था ना ये नीचे भेज दिया, बाहर पावर कितनी है टू है, यहां एक्स बाई टू है तो यहां भी एक्स बाई टू चाहिए, इस इतने पार्ट को मैंने टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है यहां पे इस जगह पे, ठीक है। अब ये है 1/2 एक तरह से 1/2, टू पलट के ऊपर जाएगा, लॉग ऑफ 2/2 अंदर ये हो जाएगा 2/ लिमिट को नीचे कर दो, लिमिट एक्स टेंड एक्स बाई टू टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू पावर पूरे की पावर टू, ये जो टू है 1/2 टू पलट के ऊपर चला जाएगा यहां आ जाएगा, लिमिट एक्स जीरो है तो एक्स बाई टू भी क्या होगा जीरो, साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास वन, तो 2/1 क्या हो जाएगा टू, तो उसका स्केयर, सो क्या हो जाएगा ये लॉग ऑफ 2/2 इंटू टू का स्केयर, सो क्या हो जाएगा एक टू से ये टू कैंसिल, सो क्या हो जाएगा 2 log of 2, ये आपका आंसर, ठीक है। तो हमें इसके ना बार बार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के ऊपर क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 8th क्वेश्चन का 4th पार्ट है ये, तो ये किस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, लॉगरिथम वगैरह में दिया हुआ फंक्शन में, हमें मतलब कोशिश करनी है इजी तरीके से सोल्व करने की, तो वैसे देखने पर हमें ये पता नहीं चलेगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, लेकिन जब हम करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ लॉगरिथम के फॉर्मूले लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, देखते हैं। चलो लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स माइनस टू अपॉन लॉगरिथम एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन टू द बेस ए, लिमिट यहां पे ना एक्स टेंड्स टू टू दी हुई है, तो एक बार तो ये चेक कर लो ये फॉर्म कैसी है। देखो जब टू पुट करेंगे तो 2 - 2 न्यूमरेटर पार्ट जीरो लॉगरिथम ए, और ये 2 - 1 लॉग ऑफ 1 जीरो, लॉग ऑफ 1 ये क्या होता है जीरो होता है, ठीक है, 0/0 फॉर्म बन गई है। अब हमें इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट करना है, क्या पुट करना है, ये जो बेस है ना इसको वाई पुट कर लेते हैं, पुट लॉग ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू वाई टू द बेस ए, ठीक है, देखेंगे चलो क्या होता है इसमें। इसका फॉर्मूला है एक हमारे पास, वो भी नोट कर लेते हैं, लॉग ऑफ ए की पावर एक्स इक्वल टू वाई अगर दे रखा है, सॉरी इस तरह से नहीं है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इक्वल टू वाई ये दे रखा है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन है इसकी, क्या होगा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे बेस ए है ना तो यहां भी बेस ए ही रहेगा और जो वैल्यू है वो हमारी पावर में चली जाएगी एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई, ये डेफिनेशन हमारे लॉगरिथम की, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इक्वल टू वाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो नंबर है हमारा यहाँ पे वो यहां आएगा इक्वल टू बेस यहां पे होगा और जो वैल्यू दी हुई थी वो पावर में चली जाएगी, ठीक है। तो यहां से अगर इसको सोल्व करें हम तो क्या होगा, ये एक्स माइनस वन इक्वल टू ए की पावर वाई हो जाएगा, ठीक है।
यहां से अगर x निकालना चाहूं मैं, तो x क्या हो जाएगा, a की पावर y प्लस वन, ये हो जाएगा आपका x। ठीक है, इसको बनाओ, अब क्या बनता है ये लिमिट। अब देखो जो ये कह रहा है x टेंड्स टू टू, x है ना वो दो के बराबर है, x दो है, x टेंड्स टू टू, तो क्या हो जाएगा यहां टू रखेंगे, सो टू इक्वल टू a की पावर y प्लस वन, a की पावर y इक्वल टू वन, किसी भी चीज की पावर कर रहे हैं और वो वन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो वैल्यू है वो कितनी है, इस इंप्लाइज y इक्वल टू जीरो। कोई भी फंक्शन हमारे पास अगर उसकी पावर हम जीरो कर दें तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो y है ना वो यहां से y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कैसी होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो अब यहां से लिमिट कन्वर्ट कर दो, पहले तो एक बार लिमिट y टेंड्स टू जीरो, y तो जीरो होगा। अब यहां कह रहा x माइनस टू, x ये है, माइनस टू करेंगे तो x की वैल्यू तो हो जाएगी a की पावर y प्लस वन माइनस टू अपॉन, इस पूरे फंक्शन को हमने नीचे वाले को माना था y, ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू जीरो a की पावर y माइनस वन अपॉन y। देखो ये तो फॉर्मूला हमारा कौन सा, ये वाला, तो क्या हो जाएगा यहां पे log ऑफ a, ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन को अप्लाई करना। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें क्या है एक अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो हमें याद करना है, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। ये है एट्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो वन अपॉन एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो ये है ना लॉग वन प्लस एक्स, इसका फॉर्मूला हमें अलग से याद करना है, क्या होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स की पावर थ्री बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस अप टू सम। ठीक है, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस अप टू सम। याद कैसे करेंगे, एक सिंबल प्लस का रहेगा फिर माइनस का, फिर एक प्लस का फिर एक माइनस का, मतलब इन रेगुलर उस पर चलते रहेंगे, फिर जो ओड पावर है वो सारी प्लस की है और जो इवन पावर है वो सारी माइनस की है, फिर वो देखना जो पावर है डेनोमिनेटर में भी उसी से डिवाइड किया गया है, जैसे पावर टू है तो टू से डिवाइड किया गया है, पावर थ्री है तो थ्री से डिवाइड किया गया है, पावर फोर है तो फोर से डिवाइड किया गया, इस तरह से फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब इसमें अप्लाई कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन बाई एक्स माइनस, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स की पावर थ्री बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस अप टू सोन, और इस पूरे फंक्शन को किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। इनको अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर दो और बाहर माइनस साइन है, साइन चेंज कर देना, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सम सॉरी ये माइनस, एक पावर से एक पावर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, दो पावर से दो पावर कैंसिल, ये इस तरह से कैंसिल कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस ये वन बाई टू माइनस एक्स बाई थ्री, ये ऊपर न्यूमरेटर में दो पावर बच जाएंगी, डेनोमिनेटर में फोर बच जाएगा, माइनस माइनस अप टू सोन,
या वन बाई एक्स है तो वन बाई एक्स कैंसिल, कह रहा लिमिट कितनी पुट करनी, जीरो लिमिट पुट करो जीरो, ये वन बाई टू होगा, ये जीरो, ये आगे की सारी टर्म्स जीरो, सो क्या हो जाएगा वन बाई टू माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो अप टू सो ऑन इक्वल टू वन बाई टू, ये आंसर। मीन्स इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला इजिली याद हो जाएगा, आप एक बार लिख के देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, काफी जगह ये क्वेश्चन हम यूज भी करेंगे ट्वेल्थ में, तो आपको ना बहुत ही इजी तरीके से आसान तरीके से करवाई गई है। फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी डाउट लगती है तो आप क्या करना, वीडियो की जो स्पीड है उसको थोड़ा कम कर लेना, और स्पीड कम करके फिर इस वीडियो को देखना। फिर भी अगर वो लगता तो आप वीडियो को जो है ना बीच में आप स्टॉप कर लेना, स्टॉप करके वीडियो को देखो और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। और तब भी अगर कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।